वन प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? अच्छे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अच्छा, आज हमारा कौन सा दिन है बताइए? आज है सोमवार। हमारा विषय है हिंदी, और हिंदी में आज मैं आपको जानते हो क्या करूंगी? व्यंजन ग। कौन सा व्यंजन लिखेंगे आप? ग। क आप लिख चुके हो, ख आप लिख चुके हो, अब आपको व्यंजन गल लिखना है। ठीक है, चलिए पहले यहाँ देखें, इस बुक की रीडिंग करते हैं। ग से गमला, ग से गमला। गमले में क्या खेलेंगे? बहुत सारे फूल हैं। ग से गमला, ग से गधा। गधा क्या होता है? जानवर होता है। मैंने एनिमल्स में करवाया था ना, जो बहुत सारा बोझा उठाता है उसको उठा के चलता है। ग से गधा। ग से गाजर। गाजर कैसी होती है? मीठी मीठी होती है ना। ग से गाजर। ग से गमला, गमले में फूल। ये क्या है? ग से गमला, गमले में क्या है? फूल। इन्हें ना तोड़ो करो ना भूल। इसको कभी भी, फूलों को हमको तोड़ना नहीं चाहिए। फूल तो बहुत सुंदर होते हैं ना, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट को, वातावरण को कैसा बनाते हैं? सुंदर बनाते हैं। तो फूलों को तोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए आपको ग लिखना कैसे है? आपकी हिंदी की कॉपी में 5 लाइनें हैं। आपको पहली लाइन में आपको कोई भी व्यंजन शुरू नहीं करना है, सेकंड लाइन से आप अपना शुरू करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, सेकंड लाइन से। मैंने आपकी हिंदी की सीटी भी बहुत चेक किए हैं। हिंदी की सीटी में बहुत सारे बच्चे स्वर हो या व्यंजन हो, उसको यहाँ फर्स्ट लाइन से लिखना शुरू करते हैं, जो बिल्कुल गलत है। फर्स्ट लाइन में नहीं लिखना है। और मैंने ऐसी कॉपीज भी देखी है जिसमें पेरेंट्स ने सिर्फ 4 लाइन डाली, 1 2 3 4। हिंदी की कॉपी में 4 लाइन, 4 नहीं होती है, 5 लाइन्स होती है। हिंदी में कितनी लाइन्स होती हैं? 5 होती हैं। 1 2 3 4 5, 5 है ना? तो 5 लाइन्स डालनी है हिंदी में, 4 नहीं डालनी है। ठीक है, अब 5 लाइन में आप सेकंड लाइन से लिखना शुरू करोगे और एक स्टैंडिंग लाइन ऐसे बनाओगे और यहाँ छोटा सा कर्व बनाओगे। ठीक है, इसी के साथ यहाँ पर एक और स्टैंडिंग लाइन बनाओगे और इसके ऊपर स्लीपिंग लाइन। क्या बन गया? व्यंजन ग। कौन सा व्यंजन बना? ग। फिर से देखो, यहाँ से शुरू किया, ऐसे करके एक कर्व बनाओगे, इसके साथ एक और स्टैंडिंग लाइन और ये व्यंजन बन गया ग। अब देखो व्यंजन ग को ध्यान से देखो, ये आपका इस ग्रीन लाइन के ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, और इस ग्रीन लाइन के नीचे भी नहीं जाएगा। ये जो 3 लाइन है, 1 2 3, इसमें ही आपको ये व्यंजन बनाना है। ये ऊपर की पिंक लाइन को टच नहीं करेगा, नीचे की पिंक लाइन को भी टच नहीं करेगा, और ऊपर की लाइन से किसी बच्चे की कॉपी में व्यंजन शुरू नहीं होना चाहिए। सेकंड लाइन से आप शुरू करोगे। ठीक है, चलिए एक और बार देखिए। ग, व्यंजन ग। ग से कौन सा जानवर है ये? गधा। कौन सा जानवर है ये? गधा। ग से गधा। और ये क्या है? गाजर। क्या है ये? गाजर कौन खाता है? ख से खरगोश। ख से खरगोश क्या खाता है? ग से गाजर। ठीक है, चलो अब हम हिंदी की कॉपी में लिखते हैं। चलो शुरू करो। ये देखिए बेटा, ये आपकी हिंदी की नोटबुक है। इसमें पहले आपको आज की डेट डालनी है, फिर व्यंजन लिखना है। ग, ग से गमला। मैंने गमले का चित्र बनाया है, आप किसी गाजर का भी बना सकते हो। ठीक है, ग से गमला। अब देखो इसे लिखना कैसे है। यहाँ देखिए ध्यान से देखना सारे बच्चे, ये 5 लाइनें हैं, 1 2 3 4 5, 5 हैं, 5 लाइन्स हैं। आपको दूसरी लाइन से, सेकेंड लाइन से शुरू करना है, ऐसे ये बनाया, और इसके साथ ही एक और लाइन होगी जो इस लाइन को टच करेगी यहाँ तक। ठीक है, और इसके ऊपर एक स्लीपिंग लाइन लगा दोगे। ग, क्या बन गया ये? व्यंजन ग। कौन सा व्यंजन है ये? ग। जो भी आप व्यंजन लिखेंगे वो इन्हीं 3 लाइन्स में बनता है। ठीक है, ग। और जो चित्र आप बनाओगे उस चित्र में आपको रंग भी भरना है।
ठीक है, तो पहले आप ये पेज कंप्लीट करना और दूसरा पेज भी आपको व्यंजन ग से कंप्लीट करना है। आपकी राइटिंग बिल्कुल नीट एंड क्लीन और सुंदर होनी चाहिए, आपको खुद लिखना है, पेरेंट्स नहीं करेंगे, और जो चित्र आप बनाएंगे उसमें भी रंग भरना है, और चित्र के बाहर रंग नहीं निकलना चाहिए, इस बात का ध्यान देना है। रंग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकालोगे, सुंदर रंग करोगे, ठीक है। चलिए, अपना ध्यान रखिए, गुड बाय।